कई लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू किया। 16 साल मैं चलता हूँ। पिछले दो क्लासेस जो मैंने आपको कहा था, रिकॉर्डिंग आपको शेयर की थी, वो आप लोगों ने देख लिया है। जैसे ये लेक्चर नंबर 12 है, वीक 9, जिसमें कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो डिस्कस हुआ हुआ। इसमें ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट है, इसको फिर पहले हमने डीसी एनालिसिस का परफॉर्म किया, फिर उसके बाद एसी एनालिसिस परफॉर्म किया। एसी ऑपरेशन इसका किस तरह से जो है वो एसी के साथ किस तरह से आउटपुट आती है, उसको हमने डिस्कस किया। ये सारी जो डिस्कशन है और जो रिकॉर्डिंग है लेक्चर की, ये आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कर सकते हैं मुझसे। ये चीज़ मैं आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा, आगे मूव कर। ये चीज़, ये लेक्चर आपने देख लिया है, मुदस्सर आपने भी और उसामा? नो सर। सर आपने लेक्चर देख लिया? सर पूरा नहीं देख सका था सर मैं। तो फिर फायदा नहीं होगा ना आपको, आगे फिर कैसे समझ आएगा? सर मैं आज कर लूंगा सर पूरा उसे। हाँ आज सर मैं पूरा कर लूंगा सर, देख लूंगा सारा। उसामा आपने देख लिया लेक्चर? सर मैंने थोड़ा सा देखा है, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा बहुत ही याद है, क्योंकि मैं रिपीट करूं तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वो कुछ कुछ याद है कि इसमें किस तरह से वो चलता है, जो RF और RE का जो होता है चक्कर, अगर आप नेगेटिव इनपुट देते हैं तो किस तरह उसका फीडबैक के साथ होता है और पॉजिटिव इनपुट पर कैसे फीडबैक के साथ होता है। लेकिन मैंने ओवरऑल प्रॉपरली इसको व्यू नहीं किया अभी लेक्चर को, क्योंकि गाँव गया हुआ था इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। चलें फिर इस तरह है कि मैं फिर आगे मूव कर रहा हूँ। ये आप लोग जो है ना वो इसको टाइम पे देख लें, रिकॉर्डिंग आपके पास है? जी जी सर। ठीक है ठीक है, इसको आप जरा देख लें, उसके बाद फिर हम लेक्चर नंबर 13, ये भी मैंने सैटरडे को शेयर किया था और मैंने कहा था ये भी जो वीक 9 है, जो लास्ट वीक था, ये भी उसका पार्ट है। इसमें हमने OPM को कंटिन्यू किया और फीडबैक का कंसेप्ट इसमें आएगा। OPM बेसिक्स हैं इसमें भी और डिफरेंशियल एम्पलीफायर से हमने स्टार्ट किया इसको, और ये आपका OPM का इक्विवेलेंट सर्किट है जो आपका ये शुरू में इसमें सर्किट पिछली स्लाइड में सर्किट था। सर आपके पास ऑलरेडी आपके लेक्चर्स पड़े हुए तो हैं जो ऑनलाइन हैं सारे, आपने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं पूरे कोर्स जी, जी, ये हाँ बिल्कुल, ये लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं। आप क्या अच्छा, कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि तो फिर आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं इस लेक्चर को, अगर ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर एक पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर इस चीज के ऊपर? तो मैं इसलिए कह रहा था कि आप एक तो देखे ना, क्लास को लेके चलना पड़ता है ना इस तरह से। आपकी अगर क्यूरीज हैं, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो यहाँ पे एड्रेस हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। तो मैं इसलिए पूछ रहा था, अगर आपने लेक्चर देखे हुए और क्यूरीज हैं तो मुझे बताएं। सर वो मैं आज के दिन में या कल के दिन में इंशाल्लाह लेक्चर ये देख लूंगा इसके पूरे 12-13 जो लेक्चर। एनीवेज फिर यहाँ से स्टार्ट करें। जी जी सर। तो हमने कहा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो एक आईसी है, ठीक है ना, इस तरह की एक आईसी फॉर्म में आपका अवेलेबल है। इट हैज़ इनपुट्स एंड इट हैज़ आउटपुट,
और इसको आप बायस करते हैं पावर सप्लाई के साथ। तो ये जो टर्मिनल्स हैं, दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, दो पावर सप्लाई कनेक्शंस हैं और एक आउटपुट, इसकी बेसिस के ऊपर हम ओप एम्प को समझने की कोशिश करते हैं कि इन टर्मिनल्स के ऊपर क्या बिहेवियर है। सप्लाई कनेक्शन तो सिंपल है, ये बायसिंग के लिए हैं, और इस तरह से आउटपुट जो आपको मिलेगी दैट वुड बी इन इनपुट डिफरेंशियल इनपुट टाइम्स द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, वेयर गेन इज़ द डिफरेंशियल गेन। ठीक है, इसमें जो कॉमन मोड गेन है दैट इज़ वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल, तो हम उसको मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सो जो डिफरेंशियल इनपुट है दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज टू इनपुट्स, जो कि इन दो इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट वन एंड इनपुट टू। ठीक है, अब जो ओप एम है इसको हम अगर इनपुट के प्रस्पेक्टिव से और आउटपुट के प्रस्पेक्टिव से देखें तो हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं, एक इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस, दूसरी जो इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड थर्ड वन इज़ द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर जो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड हैं, और जो गेन है एम्पलीफायर का कि कितना सिग्नल एम्पलीफाई होगा जब मैं उसको इनपुट अप्लाई करूँगा। ठीक है ना, इन तीन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर हम ओप एम को देखते हैं कि इसको हम किस तरह से आगे यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन में। तो एक ये एक सिंपलीफाइड सर्किट है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ओप एम। तो एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था इस स्लाइड में। एक्चुअल जो इनपुट यहाँ पे है, दिस इज़ वन इनपुट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ वन इनपुट, दिस इज़ सेकंड आउट इनपुट, एंड दिस इज़ द आउटपुट। ये आपके पास सप्लाई कनेक्शंस हैं दो। ठीक है, इस कम्प्लेक्स सर्किट का जो सिंपलीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है ना, वो भी जो है वो आपको मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक रिड्यूस्ड फॉर्म है जो कि इनपुट परस्पेक्टिव से आप इसको देखेंगे, जब आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो यू विल सी एन इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम इनपुट टर्मिनल्स एंड एन आउटपुट फ्रॉम आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, एंड द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। सो इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स हम किसी भी ओप एम को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, और उसको हम कह सकते हैं कि कौन से ओप एम जो है वो इसमें ये जो फीचर्स हैं ये फीचर्स बेटर हैं। ठीक है ना, इसकी जो इसकी इसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है ना, जो इनपुट इम्पीडेंस है दैट वुड बी अ फाइनाइट नंबर। ठीक है ना, इनपुट इम्पीडेंस एक फाइनाइट वैल्यू होगी उसकी, एंड इट वुड बी इन द रेंज ऑफ मेगा ओम। सो फॉर प्रैक्टिकल ओप एम this input impedance would be in mega ohms. ठीक है ना, this is quite large value. ठीक है, non-zero output impedance would not be zero, it would have some non-zero value and its value would be few ohms. ठीक है ना, that would be in the range of 10 to 20 ohms. So output impedance low होगी और input impedance high होगी। ठीक है, and the gain of the amplifier, this gain of the amplifier would be some finite value. For LM741, ये एक op amp है जो कि market में available है, जो कि शुरू में जो op amps आए थे ये उनमें से एक है। उसका जो gain है that is of the order of 2 × 10^5। ठीक है, तो which is quite a large value, but still it is a finite number. Okay, so yes. on the basis of these parameters we can categorize an op amp ke ye kisi op amp mein ye features kitne to unki kya values hain. To main full screen kar deta hu sir. Ye specifically LM741 ke liye ye conditions hain, right? ये 741 के लिए बिल्कुल।
Now, what should be these parameters ideally? Ideally, input impedance क्या होनी चाहिए, output impedance क्या होनी चाहिए और amplifier का जो gain है वो ideally कितना होना चाहिए? तो वैसे तो अगर वेरी हाई है तो इनफिनिट ही कंसीडर करेंगे उसको हम इंपोर्टेंस को. बिल्कुल इनपुट इम्पीडेंस आपको पता है कि इनफाइनाइट आइडियली इनफाइनाइट होनी चाहिए. तो इनपुट टर्मिनल्स जो है वो ओपन सर्किट होने चाहिए. जब मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए इनपुट सोर्स में. ठीक है, तो ये चूँकि वोल्टेज एम्पलीफायर है, वी आर इंटरेस्टेड इन वोल्टेज गेन. ठीक है, तो करंट बेशक इनपुट पे ज़ीरो भी हो तो हमारे लिए ज़्यादा ये बेनिफिट है, बेटर है. सिमिलरली आउटपुट इम्पीडेंस आइडियली शुड बी ज़ीरो. ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किटेड. एंड वोल्टेज गेन शुड बी आइडियली शुड बी इनफाइनाइट. इनफाइनाइट जितना गेन हाई होगा उतना हमारे लिए बेटर. सही, तो no current flows into the input terminals because of the fact कि इसके input impedance क्या है, infinite. Ideally जो है ना हमारे पास ये situation होगी op amp की. तो जो op amp जो है ना वो इस criteria के close होगा, that would be a better op amp. उसकी जो performance होगी वो ideal होगी. ठीक है, and it would suit us in our applications. ठीक है, सही सर. अगेन जो आइडियल ओप एम है इसमें अगर मैं सोर्स को भी इंडिकेट करूं जो इनपुट के ऊपर मैं सिग्नल अप्लाई करना है और आगे लोड को भी मैं इंडिकेट करूं, तो इस इनपुट इम्पीडेंस इनपुट रेजिस्टेंस को ओपन होना चाहिए, इनफाइनाइट ओपन सर्किट होना चाहिए. इन दो टर्मिनल्स के दरमियान एक ओपन सर्किट एग्जिस्ट होना चाहिए सो दैट इस सोर्स में से कोई करंट फ्लो ना कर रहे. इनपुट करंट क्या हो, जीरो. पॉजिटिव टर्मिनल में भी करंट जीरो, नेगेटिव टर्मिनल में भी करंट जीरो. इसी तरह से जो आउटपुट साइड पे जो लोड कनेक्टेड है उसमें जो भी सिग्नल ये एम्पलीफाई होके आएगा यहाँ पे इनपुट से एक सर्टेन गेन के साथ, यहाँ पे आपको जो सोर्स आपको डिपेंडेंट सोर्स नज़र आ रहा, इस डिपेंडेंट सोर्स की जो वैल्यू है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करे जो इनपुट यहाँ पे अपीयर हो रही है. ठीक है, ठीक है. एंड वट एवर द वोल्टेज वी अचीव हियर दिस शुड डिलीवर टू द लोड. ठीक है, एंड मैक्सिमम वोल्टेज वुड डिलीवर टू द लोड ओनली व्हेन दिस रेजिस्टेंस इज जीरो. ठीक है, बिल्कुल. अदरवाइज अगर ये रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो इस सिग्नल से कुछ यहाँ पे भी कोई डिसिपेट हो जाएगी, बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा और लोड पे वैल्यू कम हो जाएगा. आइडियल केस ये होगा कि यहाँ पे कोई सिग्नल ड्रॉप ना हो. जी सर, आर आउट शुड बी जीरो. ठीक है, सो इफ इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस देन वी इन वुड बी इक्वल टू वी एस. जब ये दिस इज वी एस सोर्स वोल्टेज, इट वुड बी इक्वल टू वी इन, चूंकि इसके ऊपर कोई ड्रॉप नहीं आएगा, सॉरी इसके इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस पर कोई ड्रॉप नहीं आएगा, तो जो भी सिग्नल होगा वह सारा यहाँ पे अपीयर होगा. तो यहाँ से सिग्नल यहाँ अपीयर होगा मैक्सिमम ओनली व्हेन देयर नो करंट इन दिस पाथ, और जो मैक्सिमम सिग्नल यहाँ आएगा वो एक मैक्सिमम गेन के साथ एम्पलीफाई होके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और ये मैक्सिमम सिग्नल आगे ट्रांसफर उस वक्त होगा जब ये ज़ीरो होगा. ठीक है, इट शुड बी इनफाइनाइट, इट शुड बी ज़ीरो. ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक हो गया. ये शुड अप्रोच टू इनफिनिटी. सो जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस, सो वी आउट वुड बी इक्वल टू गेन इनटू इनपुट. जो भी सिग्नल गेन इनटू इनपुट है वो दैट वुड बी इक्वल टू वी आउट बिकॉज नो ड्रॉप हियर एंड ए इज ए वेरी लार्ज, आई इन इज जीरो. तो ये वही चीज़ आपको दोबारा से रिपीट की है. ठीक है, सो द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल ओप एम्प लुक्स लाइक दिस वन. अब जरा क्वेश्चन है कि हाउ मच एन ओप एम एम्पलीफाइज. यहाँ पे जो आउटपुट के ऊपर आपको वोल्टेज मिलेगी वो आपकी कितनी ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम यहाँ पे कितनी वोल्टेज आप ले सकते हैं. ठीक है,
ओपन कितना एम्पलीफाई करके सिग्नल को यहाँ पे इंक्रीज करके आपको दे सकता है, दिस द क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो कोई भी इनपुट देता हूँ इसको, तो ये एम्पलीफाई करेगा, ये एम्पलीफायर इसका एक सर्टन गेन है, उससे ये एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद इस सिग्नल को, लेट्स से यहाँ 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे एम्पलीफाई करके उसको कितना वोल्ट पे लेके जाएगा, 10 वोल्ट पे ले जाएगा, 50 पे ले जाएगा, 100 वोल्ट पे ले जाएगा, 1,00,000 वोल्ट पे लेके जाएगा। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज यहाँ पे कितना एम्पलीफाई करके मुझे आउटपुट दे सकता है। इस चीज़ को आंसर करने के लिए जो सबसे जो चीज़ इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है वो ये है कि जो ये सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड हैं VCC और -VCC, ठीक है। आपको पता है कि आपने बेसिक एम्पलीफायर्स पढ़े हैं BJT के साथ, तो उनमें आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितनी जा सकती है, जो सप्लाई वोल्टेजेस हैं उन जो सप्लाई की वोल्टेज दरमियान रेंज ही होगी, उस वोल्टेज के दरमियान में रहेगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती। यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये सप्लाई वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ पे कितने वोल्टेज मैं लगा सकता हूँ, 12 वोल्ट लगा, 100 वोल्ट लगा सकता हूँ। अगर मैं 100 वोल्ट लगाऊंगा तो आउटपुट 100 तक चली जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 500 वोल्ट लगाऊंगा तो आउटपुट 500 तक चली जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ मैं वोल्टेज सप्लाई कितनी दूंगा, तो शुरू में आपने हमें रिक्वायरमेंट होगी Vout की, क्योंकि इन्फिनिट गेन है, गेन तो इन्फिनिट है इसका, सेंफोरा का बहुत हैवी गेन होता है। आप जो लैब में ICs यूज करते रहे हैं, डिजिटल ICs हैं, ये छोटी सी ICs है, पैकेज है, इसको जो VCC देनी है वो कितनी वोल्टेज दे सकते हैं मैक्सिमम? सर वैसे तो 3.3 से 5 वोल्ट के दरमियान में हम देते होते थे, या 12 वोल्ट तक लेके जा सकते हैं। लॉजिक सर्किट्स हैं उसमें आप इतनी दे सकते हैं, 5 वोल्ट दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये जो ओपेम्स है ना, इनकी एक पावर सप्लाई की एक मैक्सिमम लिमिट है, सप्लाई वोल्टेज कितनी आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। इसकी जो डेटा शीट है ना, उसके ऊपर इसकी वैल्यू स्पेसिफाई होती है। तो ये जो 741 ओपेम है ना, इसको मैं मैक्सिमम जो वोल्टेज दे सकता हूँ वो -22 वोल्ट्स दे सकता हूँ। अगर मैं इससे ज़्यादा दूंगा तो ये IC डैमेज हो जाएगी। इसी तरह से कुछ ओपेम्स हैं जो 15 वोल्ट पे चलते हैं, कुछ ओपेम्स हैं जो कि हो सकता है 30 वोल्ट्स पे भी चल रहे हों, कुछ ओपेम्स हैं जिनके ऊपर आप सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट पे लगा सकते, ठीक है ना। तो ये जो वोल्टेज है बहुत हाई वैल्यू नहीं होती, ये 50 वोल्ट 100 वोल्ट इससे कम ही रहेगी, ठीक है। सर मैक्सिमम कहाँ तक इसकी वोल्टेज जा सकती है? सॉरी, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी? जैसे सर हम लॉजिक वाले उसमें आईसी पे हम मैक्सिमम 5 वोल्ट तक अप्लाई करते थे, तो इसमें क्या होगी? डिजिटल सर्किट में 5 वोल्ट तक होती है, लेकिन जो ये एनालॉग आईसीज हैं इसमें वोल्टेज आप ऊपर भी जा लेके जा सकते हैं, 20 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 30, 50 प्लस, ठीक है। तो अज्यूम करें कि जो मैं यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज मैक्सिमम लगा सकता हूँ वो ±15 है, +VCC 15 है और -VCC -15 है, ठीक है। सही, इसका मतलब कि इस ओपेम को अगर मैं ये 15 वोल्ट -15 वोल्ट लगाऊं तो आउटपुट कितनी जा सकती है मैक्सिमम इस जगह पे? सर 30 वोल्ट्स तक तो जाएगी, क्योंकि ये 30 वोल्ट्स का डिफरेंस है दोनों में। जी 30 वोल्ट का डिफरेंस है, तो पॉजिटिव साइड पे 15 जा सकती है, 15 तक, हां जी बिल्कुल, और नेगेटिव साइड पे -15 जाएगी। इसमें भी जो प्रैक्टिकल ओप एम्प है ना, उसमें ये आइडियल केस है कि 15 तक जाएगी, प्रैक्टिकल ओप एम्प में ये 14-13 पे जाके ये सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। सही है जी सर। तो ये जो आउटपुट है ये मैक्सिमम अज्यूम करें कि अभी आइडियल केस में ये 15 वोल्ट तक जा सकती है, ठीक है। अब मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कि मैं इस जगह पे एक इनपुट सिग्नल अप्लाई करता हूँ और अज्यूम करता हूँ कि इस ओप एम्प का गेन जो है वो 200,000 है। तो विद दिस इनपुट एंड द गेन ऑफ द एम्पलीफायर व्हाट वुड बी द आउटपुट? वी नो द रिलेशनशिप ऑफ द आउटपुट फॉर दिस ओप एम्प, एज आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू द डिफरेंशियल इनपुट VD, ठीक है। बिल्कुल सर, ये सिंपल क्वेश्चन आपको हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। नो VD क्या चीज़ है? डिफरेंशियल वोल्टेज जो कि दो इनपुट्स के दरमियान है, वी
डिग्री जो होगी दैट वुड बी v1 minus v2. अब v1 पे मैंने सिग्नल अप्लाई किया और v2 को मैंने ग्राउंड किया हुआ, इसका मतलब v2 क्या है, जीरो. तो वीडियो जाके v1 minus 0, और लेट्स से कि जो इनपुट है v1 उसकी जो पीक वैल्यू है ना वो है 1 mV. एक छोटा सा मैंने सिग्नल दिया mV का, इसको मैं एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ. तो इस इक्वेशन के मुताबिक मेरे पास आउटपुट आ जाएगी गेन, डिफरेंशियल गेन जो कि 2 लाख है, इनटू दी वीडी. वीडी अभी हमने कंप्यूट किया 1 mV. अब इन दो नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट आउटपुट इक्वल टू 200 वोल्ट. ये 3 जीरोस इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी जाएगा 200 आउटपुट, क्योंकि ये वोल्टेज है तो ये 200 वोल्ट. तो यहाँ पे आउटपुट मेरी आनी थी 200 वोल्ट, लेकिन मैंने सप्लाई कितनी कनेक्ट किया हुआ 15. इसका मतलब यहाँ की जो वोल्टेज है ये 15 से तो ऊपर जा नहीं सकते, नहीं जा सकती सर. और इनपुट जितनी मैंने बड़ी लगा दी है और गेन हाई था तो मुझे मिलना चाहिए था 200 वोल्ट, लेकिन आउटपुट 15 से ऊपर नहीं जा सकते. तो इसका मतलब आउटपुट क्या होंगे, 200 तो नहीं होंगे, बिल्कुल 15 पे जाके ओपैम्प सैचुरेट कर जाएगा, 15 वोल्ट पे सैचुरेट कर. ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं सैचुरेशन. आउटपुट जो है ना वो जाना चाह रही थी ऊपर, लेकिन इस वैल्यू पे जाके वो क्या कर गई है, कांस्टेंट हो गई है. तो इस चीज़ को कहते हैं ओप एम्प सैचुरेशन में चला गया. तो आउटपुट कैन नॉट गो टू 200. सही, अगली स्लाइड पे चलता हूँ. आप देखें, मैंने एक सिग्नल अप्लाई किया था जिसकी पीक वैल्यू थी, ये ब्लू वाला सिग्नल जिसकी वैल्यू थी 1 mV. जब ये 1 mV पे पहुंचा तो आउटपुट कितने पे होगी, 15 पे. ठीक है, जब ये -1 mV पे होगा तो आउटपुट क्या होगी, -15 पे. तो आप देख रहे हो कि आउटपुट ना इस तरह से क्लिप कर रही है, 15 पे जाके स्टक हो रही है, इससे ऊपर नहीं जा सकते. तो इवन अगर यहाँ पे मैं 1 mV के बजाय 0.5 mV करूँ, 0.5 mV करूँ तो आउटपुट क्या आएंगे, यहाँ 0.5 कर दो सर, 550 हो जाएगी, 100 वोल्ट्स आधी होगी है ना, 100. हाँ अच्छा, इसका हाफ हो जाएगी सर. तो हाफ हो जाएगी, तो 100 वोल्ट का मतलब है कि 100 तो नहीं आएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 15. और आदि करें फर्दर 0.25 कर दें तो आप 50 हो जाएगी. 50 भी नहीं आ सकते, 50 तो इसका मतलब आउटपुट 50 नहीं है, तो 15 पे सैचुरेटेड है. फर्दर आप करें तो 25 हो जाएगी, इसका मतलब 0.5 और आप करें, इसका मतलब सिग्नल जो है ना वो बेशक मैं 1 mV के बजाय और कम कर दूँ तो भी आउटपुट 15 पे ही रहेंगे. तो ये नज़र आ रहा है, जीरो से थोड़ा सा भी सिग्नल ऊपर जाएगा ना आउटपुट कहाँ चले जाएंगे, 15 पे चले जाएंगे. अनलेस जो है सर वो इनपुट आपकी इतनी कम हो जाती है. यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि इनपुट मैंने साइन वेव दिया है तो आउटपुट की शेप कैसी आई है, स्क्वायर वेव. स्क्वायर वेव इसका मतलब सिग्नल 1 mV से 15 वोल्ट पे चला गया, एम्पलीफाई तो हुआ है, लेकिन एम्पलीफाई होने के साथ साथ उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो गई है. जबकि एम्पलीफायर में तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना, बिल्कुल. ये तो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी एम्पलीफायर को. एम्पलीफायर को जो आउटपुट है उसकी शेप को इनपुट के साथ मेंटेन करना ज़रूरी है, इनपुट की शेप को. तो इस चीज़ को कहते हैं कि ओपैम ने सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर दिया. सो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज दैट कैन अचीव इज ±15. ड्यू टू द लार्ज गेन आउटपुट इज ऑलवेज सैचुरेटेड इवन फॉर अ स्मॉल इनपुट सिग्नल. सो लास्ट बुलेट पे जरा गौर करें तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, हाउ मच द इनपुट सिग्नल लेवल शुड बी so that the output voltage remains below ±15 volt. ये कहना ये चाह रहा है इस बुलेट में
कि भाई मैंने ना इस सिग्नल की जो इनपुट पे 1 mV सिग्नल आ रहा था इसके शेप को मैंने मेंटेन रखना था, साइन वेव भी रखनी थी, वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि जो मेरी इन आउटपुट है उसकी जो पीक वैल्यू है वो 15 से ऊपर ना जाए, ठीक है, तो इट शुड बी कैप्ड बिलो प्लस माइनस 15. सो इन ऑर्डर टू गेट अ सिग्नल हु has maximum value of 15 volts on either side, उसके लिए मुझे इनपुट के ऊपर कितना सिग्नल मैक्सिमम मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, उसकी तरफ आते हैं ज़रा, तो उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस इक्वेशन से. मुझे पता आउटपुट वोल्ट इज इक्वल टू AD इंटू VD और VD इज इक्वल टू V0 ओवर AD. V0 मैंने रखनी है प्लस माइनस 15 मैक्सिमम. Gain उसने दिया हुआ 200. Gain is given already, so I will get VD equal to 75 microvolt. ये जो नंबर है, ये नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है? अगर मेरी gain sir V1 minus V2. अगर मेरी इनपुट इस वैल्यूज पे होगी तो आउटपुट कहाँ पे होगी? 15 plus minus 15. अगर ये plus 75 होगी तो ये प्लस 15 होगी, अगर ये माइनस 75 माइक्रो होगी तो आउटपुट माइनस 15 होगा. माइनस 15 माइक्रोवोल्ट. इसका मतलब अगर सवाल पूछना था. जी सर, अब हम जो इनपुट अप्लाई करेंगे किसी भी ऑप एम्प को जब हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो हम फिर उसके गेन को देख के उसके ऊपर इनपुट अप्लाई करेंगे कि हमने इसको जी कैप रखना है प्लस 15 माइनस 15 के दरमियान में, इसलिए हमारी इनपुट इतनी होनी चाहिए, वो हम देख के अप्लाई करते हैं हमेशा? अभी जो है ना वो आपको ऐसे ही फील आएगी, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ना इसको हम एड्रेस करेंगे. हमें अभी हमें ये वाली जो सिचुएशन है ना इसमें इनपुट के ऊपर कंस्ट्रेंट आ गई है, इनपुट मेरी इससे ऊपर नहीं जा सकते. तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि मैं तो अब मिली वोल्ट के सिग्नल को या 1 वोल्ट के सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो तो वो मैं नहीं कर सकता इस ओपन को. तो ये ओपन जो है ना अब मेरे लिए यूजेबल नहीं है अगर मैंने किसी लार्ज सिग्नल को एम्पलीफाई करना है. जी सर, तो आप देखोगे कि भाई अभी जो है ना ये प्रॉब्लम आया किस वजह से है, ये इस गेन की वजह से आया ना. गेन इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं छोटा सा भी सिग्नल दूँ तो वो सिग्नल एकदम से बहुत हाई पे चला जाता और ओपन सच को सेचुरेट कर देता. बिल्कुल सर, तो गेन को तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये गेन मेरे पास इतना हाई हो गया, मैं तो चाह रहा हूँ कि गेन इससे भी ज़्यादा हो, चूँकि आइडियल ओप एम्प मैंने कहा कि आइडियल ओप एम्प हुआ कि इनफाइनाइट होगा. तो फिर अगर गेन इनफाइनाइट हो तो फिर ये तो और सीवियर हो जाएगा प्रॉब्लम. बिल्कुल सर, तो इसका जो हल है ना वो आगे हम चल के देखेंगे कि ओप एम्प को आप कभी भी इस तरह से एज इज नहीं यूज़ करेंगे, आप उसको फीडबैक अप्लाई करेंगे. फीडबैक मैकेनिज्म आपको साथ लगाना पड़ेगा अगर आपने इस ओप एम्प को यूज़ करना है एज एन एम्पलीफायर. तो उसमें आप देखेंगे अगर जो फीडबैक हम लगाएंगे वो नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे जिसकी वजह से ओप एम्प का जो गेन है ना वो इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगा. सही हो गया सर, ठीक है ना. तो पॉजिटिव फीडबैक से गेन इंक्रीज हो जाएगा और नेगेटिव फीडबैक से गेन रिड्यूस होगा. तो हम जब भी ओप एम्प को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना चाहेंगे तो हम उसको नेगेटिव फीडबैक में यूज़ किया करेंगे. उसका कंसेप्ट आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव फीडबैक किस तरह से गेन को रिड्यूस करती है. यस सर, ओके. नाउ सो द इनपुट टू एन ओपन मस्ट बी केप्ट बिलो दिस लेवल टू गेट अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट, ठीक है. तो ये नंबर बता रहा है जब भी हमने कंप्यूट किया इस वैल्यू से हमें इनपुट को कम रखना पड़ेगा अगर मुझे आउटपुट पे डिस्टॉर्शन को अवॉइड करना है, अदरवाइज अगर इस वैल्यू से ऊपर जाऊंगा तो फिर डिस्टॉर्शन आ जाएगी. सो इट मींस वी कैन ओनली यूज ओप एम्प एज एन एम्पलीफायर इफ इनपुट सिग्नल इज वेरी स्मॉल दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 75 माइक्रोवोल्ट. इस सिनेरियो में तो हमें इस तरह से ही इसको यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज फीडबैक लगाऊंगा तो फिर और बात बनेगी, डिफरेंट हो जाएगा क्या. नाउ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल गोज अबव दिस द आउटपुट विल गो इनटू सैचुरेशन एंड विल बी क्लिप्ड एंड गेट डिस्टॉर्टेड. ये भी हमने डिस्कस कर लिया.
Now difference signal at the input of the op amp, जो कि वी डी की हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी हमने कहा कि 75 माइक्रोवोल्ट होना चाहिए, तो इसके लिए वो ये कह रहा है कि द सिचुएशन विल गेट इवन वर्स, फॉर एग्जांपल इफ द गेन ऑफ द ऑप एम्प इज इवन हायर देन दिस वैल्यू। ठीक है, अभी आपको ये आईडिया इमेजिन एक फीलिंग आ गई होगी, अगर ये गेन और ज़्यादा होता तो वी डी की वैल्यू 75 माइक्रो से और नीचे हो जाती थी। इस केस में फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक जीरो और लगा दिया, सो हाफ करनी पड़ेगी, उससे भी एक जीरो निकालना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दें। बिल्कुल सर, ठीक है, तो ये 7.5 माइक्रो पे चला जाएगा, अब सिग्नल मेरा और कम रखना पड़ेगा मुझे। सो दिस मच वोल्टेज वुड बी एनफ टू मेक आउटपुट सैचुरेटेड। ठीक है, तो अगर मैं मेरा ओप एम ही आइडियल हो तो देन वी डी वुड बी व्हाट, जीरो से जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगी, इसका मतलब मैं जीरो वोल्टेज भी दूं, गेन इनफाइनाइट हो तो आउटपुट क्या होगी, इनफाइनाइट एनीथिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आउटपुट वुड बी इक्वल टू गेन इनटू इनपुट होता है ना, इनपुट मेरी जीरो हो, गेन इनफाइनाइट हो तो आउटपुट क्या होगी, सर 1 नहीं होनी चाहिए वैसे, 0 into infinity, वैसे anything into 0 is 0 sir, exactly, output is equal to gain into input, अब gain जो है वो infinity है, VD 0 है, so anything multiplied by 0 would be 0 sir. तो एक चीज़ तो ध्यान में रखें कि जब तक मैं कोई इनपुट दूंगा नहीं ना, तो आउटपुट नहीं आ सकते। बिल्कुल सर, ठीक है, अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट कभी भी नहीं आएगी, चाहे गेन जो मर्जी हो। इसका मतलब कि जो वी डी है, वी डी वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो कितनी होगी, आइडियल केस में अगर इन्फिनिटी हो गेन, तो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो बट नॉट टू मच, सो वी डी वुड बी इक्वल टू 0.000000, बहुत सारे जीरोस के बाद कहीं पे वन लगेगा। और सर फिर उसका आंसर भी वैसे इन्फिनिटी के ही करीब होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो इस पे फिर जीरो, बहुत ज़्यादा जीरो लगा के फिर वन करें, ठीक है ना, आगे एंड पे वन लगाएं जी सर। लेकिन पॉइंट ये है कि आप जो ये जो गेन है ना, ये हमने कहा आइडियल ही है। ठीक है, तो ये नंबर कभी भी इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, अगर ये नंबर इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा तो, और इनपुट वी डी कुछ जीरो के बिल्कुल जीरो के क्लोज होगी, तो प्रॉबेबली फिर आउटपुट मेरी इनफाइनाइट नहीं जाएगी। ठीक है, किसी नंबर पे जाके रुकेगी। ठीक है जी सर, आइडियली इट इज क्रैक के आउटपुट कभी भी नहीं आएगी, अगर गेन इन्फिनिटी आउटपुट में था इनफाइनाइट ही रहेगी, लेकिन आइडियली इन्फिनिटी नहीं होगी, इसलिए ना हमें परेशानी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर गेन बहुत ज़्यादा भी है, इनपुट को मुझे क्या करना है, ज़ीरो के क्लोज करना है। अगर मैं इनपुट को ज़ीरो के क्लोज रखता हूँ, गेन बेशक हाई भी है, तो आउटपुट मेरी फाइनाइट रहेगी, प्लस क्लिप नहीं होगी अगर मैं इनपुट को बहुत ज़ीरो के क्लोज रखूँ। विच इम्प्लाइज दैट विद अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो इनपुट द आउटपुट विल बी इन सैचुरेशन लेवल टिल क्लोज टू ज़ीरो। और this shows that op amp cannot be used as an amplifier with this large gain. So ye ek op amp ke upar ek question mark aa jata hai, so we have to reduce the gain, so this would be the only way to proceed. Ki hum aage move karna hai to kya karein, gain ko reduce karein. Ab kaise karein, to wo kehta hai ji the gain is reduced by applying the feedback to the amplifier and more specifically negative feedback. ठीक है,
तो जब भी ओपन में नेगेटिव फीडबैक लगी होगी तो समझ लें कि आपने इसको इसका गेन को कम कर दिया, ठीक है जी सर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई पहले आप कह रहे थे कि गेन को बढ़ाएं, अब आप कह रहे थे गेन को कम करें, तो फिर कोई एक बात करें ना, ये तो गलत बात है, किसी एक जगह पे तो रुके ना। जी बात भी सही है सर। मजबूरी डिजिटल सर्किट में आप लोग एम्पलीफायर को यूज कर रहे होते हैं तो सर हमें एक लिमिटेड गेन चाहिए होता है। सॉरी सर, जिस वक्त डिजिटल सर्किट्स के अंदर हम लोग ओप एप को यूज कर रहे होते हैं तो सर हमें एक लिमिटेड गेन जो होता है वो रिक्वायर होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, गेन तो लिमिटेड ही चाहिए होता है। अभी हमने यही कहा कि गेन को हमने लिमिट करना है, इनफाइनाइट गेन से बात नहीं बनेगी। मतलब सर कि हमने वीडी को लिमिट करके चेक किया, उससे हमारी बात सही नहीं बनी, मतलब उससे हमारा यूजेज में नहीं आया ओप एम, इसलिए अब हम गेन को टच करेंगे, अब हम गेन को जो है वो रिड्यूस करेंगे। हाँ ना, इनपुट देखे ना, इनपुट तो यूजर के ऊपर है ना, इनपुट कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमें गेन के साथ प्ले करना पड़ेगा। सर तो अगर ऑलरेडी अवेलेबल जो मार्केट में, मतलब अगर एक ऑलरेडी अवेलेबल बन चुका है एक चीज, जिस तरह एक ऑप एम्प बन गया था, स्टार्ट जब हुआ था तो उनका गेन बहुत ज्यादा होता था जब स्टार्ट में ऑप एम्प्स बनना शुरू हुए थे, तो उस गेन ऑलरेडी बनी हुई चीज के गेन को कंट्रोल में लेके आना, वो कैसे किया जाता है? नहीं, आप थोड़ा सा देखो ना, आपने जो कहा ना, इसमें थोड़ा सा ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्लियर कर दूं। जो शुरू के ओप एम्प्स है ना, उनका गेन हाई था, उसके बाद में जो आए उनका गेन इवन उनसे भी ज़्यादा हाई रखा गया। तो गेन को हमेशा आप आइडियल जो गेन है उसकी तरफ आप उसको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, गेन को इंक्रीज करना चाहते हैं। आप देखोगे अभी थोड़ी देर में आपको आइडिया होगा कि गेन बेशक आप ऊपर लेके जाते जाएं इन्फिनिटी की तरफ, जो जब आप उसको नेगेटिव फीडबैक में यूज़ करेंगे ना, तो हाई गेन के साथ आपको ज़्यादा बेहतर जो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक हो गया सर, ठीक है ना, वो आगे चल के आप देखेंगे कि हाई गेन वुड ऑलवेज गिव यू बेटर रिजल्ट्स। सही हो गया, ठीक है। तो ही सर, तो द गेन इज रिड्यूस बाय अप्लाइंग द फीडबैक एंड मोर स्पेसिफिकली इट शुड बी नेगेटिव फीडबैक। Negative feedback reduces the gain of the op-amp. So in order to use an op-amp as an amplifier, negative feedback must be applied. So this is a must condition. Otherwise, op-amp has no use. Ab hum zara aate hain feedback ki taraf. Feedback in op-amps. In order to reduce the gain, op-amp is used in closed loop configuration like this. Ab ye jo aapko ye symbol nazar aa raha hai na, ye aapka amplifier hai. इसको मैंने यहाँ से इनपुट दी थी, यहाँ से आउटपुट ली थी, अब मैं इसको ना एक और ब्लॉक ऐड करके आउटपुट से सिग्नल फीड कर रहा हूँ टुवर्ड्स द इनपुट साइड, ठीक है। तो ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया जिसमें कि ओप एम्प आप फीडबैक में कनेक्ट हो गया। फीडबैक का मतलब है आउटपुट से आपने फीड किया सिग्नल बैक टू द इनपुट। सो for that a signal is fed back from the output to the input as shown in figure below. The gain of the op amp with feedback is called the closed loop gain. theek hai, ab jo ye jo structure bana hai, naya structure, isme input yahan ke bajaye shift ho gayi hai is side pe, theek hai, ek step piche aa gayi hai, beech mein ek block add ho gaya aur ye difference block hota hai, theek hai। तो इनपुट आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट जो है ना वो आप अगेन वहीं से ले रहे हैं जैसे पहले ले रहे थे, लेकिन आउटपुट वापस फीड भी हो रही है। तो आउटपुट आवर दिस इनपुट नाउ इज कॉल्ड द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, गेन ऑफ दिस फीडबैक सर्किट, एंड दिस गेन वुड कॉल द क्लोज लूप गेन रेदर देन द ओपन लूप गेन, जिसमें कि फीडबैक नहीं थी। तो जो डिफरेंशियल गेन था इसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन, अगर फीडबैक हटा दें तो ये ओपन लूप गेन होगा, फीडबैक कनेक्ट कर दें तो ये क्या होगा, जाएगा क्लोज लूप गेन, ठीक है। तो डिफरेंशियल गेन इज आल्सो कॉल्ड द ओपन लूप गेन। तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो कि फीडबैक के साथ आएगी, दैट इज कॉल्ड द क्लोज लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर।
So as far as feedback is concerned, we have there are two types of feedbacks. One is called the positive feedback, the other one is negative feedback. So what is positive feedback? Positive feedback is the one in which output is taken and fed to the input so that the feedback signal is added into the input. So the input plus the feedback signal, वो दोनों को ऐड करेंगे देन यू विल गेट वी डी. ठीक है, तो वी डी वुड बी इक्वल टू वी इन प्लस द फीडबैक सिग्नल. ठीक है, अगर ये फीडबैक सिग्नल यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इट वुड बी पॉजिटिव फीडबैक. अगर ये फीडबैक सिग्नल यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनपुट में से, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, आउटपुट फीड हो रही है दोनों केस में, लेकिन एक केस में जो फीडबैक है वो ऐड हो रही है और दूसरे केस में फीडबैक सब्ट्रैक्ट हो रही है. तो ये जो है ये नेगेटिव फीडबैक होगी, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है, ठीक सर. दोनों का जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत डिफरेंट होगा, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जिसमें के फीडबैक है और साथ ये सब्ट्रैक्ट और ये इनपुट में से, इट वुड बी नेगेटिव फीडबैक. इसको हम बाद में देखेंगे कि ये किस तरह से चलेगी. तो दिस वाज लेक्चर नंबर 13. ठीक है, जो कि मैंने आपको सैटरडे को अपलोड किया था और मैंने कहा था कि आप अपने टाइम में देख लीजिएगा. यहाँ पे मैंने इसको रिवाइज भी कर दिया और इसको भी आप देख सकते हैं. ये सही तरीका है वैसे, मतलब बेहतर तरीका ये नहीं, मतलब अभी तो आपने खैर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में करा दी है लेक्चर 13 एक बार रिवाइज, कि आप एक लेक्चर अपलोड करें फिर उसको क्यूरी सेशन इस तरह मंडे को रख लें जो भी है, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी. लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उससे पहले आप देख के आए लेक्चर को. जी सर, क्योंकि ये अभी लेक्चर 13 मैंने देखा है तो ये जो चीज़ें थी सारी ऑलरेडी, क्योंकि मैं तो रिपीट कर रहा हूँ तो ये थोड़ी याद थी मुझे ये वाली चीज़ें सारी, बिल्कुल. आप तो देखें आपको ज्यादा समझ आई होगी अगर आपने पहले. जी सर, बिल्कुल. तो बाकी लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि वो जब लेक्चर आपको मैंने अपलोड किया है तो आप उसको जरूर देखें, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में जब हम आए तो फिर आप क्यूरीज करें रादर देन मैं सारी चीजें दोबारा से बताऊंगा. बिल्कुल सर, सही है सर. प्लीज इसको नोट करें और सीरियसली इससे फायदा उठाएं. जी सर, चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, आगे काम आने वाली है, तो कंसेप्ट आगे अच्छे होंगे तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम. यस सर, बट मेरी जो ड्यूटी है मैंने तो अब पूरी करनी है. इन एनी केस आपको चीज़ें बतानी है जैसे भी हो. अब मैं लेक्चर 14 पे आता हूँ, दो तीन मिनट की ब्रेक कर लें उसके बाद फिर स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, ठीक है सर. बल्कि 5 मिनट ही कर लें, जरा चाय शाय भी बना लेंगे, आप भी चाय वगैरह पी लें. ठीक है सर. ठीक है, यस सर. ओके सर, नाश्ता ही अब कर लेते हैं सर. रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर देता हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, यस सर. सही सर.